इस बीच यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने जंग से तबाह यूक्रेन का दौरा किया। अपने इस दौरे में वो सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों गले भी मिले। बाद में यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष ने यूक्रेन के कुछ जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। फिर जेलेंस्की और चार्ल्स मिशेल के बीच काफी देर तक बात भी हुई, जिसमें जंग के समय हुई तबाही पर बात की गई। इस दौरान यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन में सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखने का भरोसा दिया। इसके बाद वो बोरोदियांका भी गए। यूक्रेन का दावा है कि वहां के बूचा इलाके में रूस की सेना ने आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया था। इस बीच उन्होंने वहां हुए इस भीषण नरसंहार पर दुख जाहिर किया। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी नेताओं का भी दौरा होने वाला है। खार्किव में रूसी फौज के हमले में चार लोगों की मौत हो गई और उनके शव सड़कों पर पड़े दिखे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में शव पड़े नजर आए। कुछ स्वास्थ्य कर्मी उन शवों को एम्बुलेंस में डालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते दिखाई दिए। वहीं जिन लोगों ने अपनों को खोया उनमें कई फूट फूट कर रोते दिखे। सामने आई तस्वीरों में रूस के हमले के बाद एक ऊंची इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगा मानो पहले कभी कोई यहां रहा ही न हो। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही बिखरा नजर आया। वहीं कुछ इमारतों पर तो मिसाइल हमले के निशान भी दिखाई दिए। आरोप है कि रूसी फौज आम नागरिकों पर भी हमले कर रही। ऐसे में शहर के लोग रूस के सैनिकों से लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रूसी हमले के डर से कई लोग घरों में छिपे भी दिखे और शहर की सड़कें खाली नजर आईं। रूस के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव कब्रगाह में बदल गई। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि वहां अब तक उसके 1200 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और ये अंदाजा उन शवों को निकालने के बाद लगाया गया जिन्हें कहा जा रहा है कि रूस के सैनिकों ने मारने के बाद जमीन में गाड़ दिया था। कीव से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि अलग अलग जगहों से यूक्रेन के नागरिकों के शवों को जमीन में गड्ढा खोदकर बाहर निकाला गया। कुछ जगहों पर तो इस काम में जुटे कर्मचारियों को क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्रेन की मदद से जमीन में दफनाए गए यूक्रेन के लोगों के शव बाहर निकाले गए। यूक्रेन की सरकार ने यह कार्रवाई इस बात का पता लगाने के लिए की कि रूस के हमले में उसके कितने नागरिक कीव में मारे जा चुके हैं। जेलेंस्की सरकार का दावा है कि जमीन से शवों को निकालने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर